नमस्कार, आभार अपने स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सर्वे ऑपरेटिंग रविंदर सिंह आज मुजफ्फरनगर कचहरी में, और मेरे पीछे जो आंगनबाड़ी है, आइए जानते हैं इनका काम मामला है, किस तरह की इनकी शिकायत है सरकार से, क्या इनकी मांगे हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जुड़ गई हैं। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। इतनी संख्या में आप आए हैं, धरने पर बैठी है, क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या मांगे इनकी पूरी करना चाहते हैं सर? जैसे कि अब आपको ज्ञात होगा कि एजुकेटर भर्ती मुख्यमंत्री महोदय निकाल रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहनें सालापुर शिक्षा पूर्व से ही देती आ रही हैं, जिसका हमें मानदेय केवल 6,000 रुपये मिलता है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो एजुकेटर भर्ती निकाली है, उसी काम को करने के लिए 10,000+ उनका मानदेय रखा है। क्या ये गलत नहीं है? जबकि पहले से ही वो कार्य हम कुशलतापूर्वक करते आ रहे हैं। हमारी 6 सेवाएं हैं, 6 सेवाओं में 1 सालापूर्व शिक्षा भी है, वो हम अपनी शुरू से ही आरंभ से वो हम अपना अच्छे से करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे ऊपर एजुकेटर रख देना, ये तो एक निंदनीय विषय है ना, तो इसका हम विरोध करना चाह रहे हैं। मैडम, जो आंगनबाड़ी की योग्यता इन्होंने रखी है, इंटर पास रखी है, और जो बता रहे हैं एजुकेटर की जो है उसकी योग्यता ना तक होगी, उसमें फर्क है ना? लेकिन सर शायद आपको संज्ञान में नहीं है, हमारे यहाँ तो BA MA तक पढ़ी हुई बहने हैं, यहाँ तक BEd भी आपको मिल जाएगी। तो हमारे में शिक्षा का अभाव नहीं है। दूसरी बात अनुभव, सर अनुभव भी तो कोई चीज होती होगी। जो बहने इंटर पास है वो पिछले 20-25 वर्षों से यह कार्य कर रही है और कुशलतापूर्वक कर रही है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं सर। एजुकेटर भर्ती नहीं होनी चाहिए। पहले भी आपने जो है धरना प्रदर्शन किया है, इसी बात को लेकर के सरकार के सामने बात गई थी, क्या चाहती है सरकार से, सरकार आपसे क्या चाहती है? सर सरकार हमसे क्या चाहती है ये तो आपके सामने ही आ रहा है, लेकिन हम सरकार से ये चाहते हैं कि एजुकेटर की भर्ती निरस्त की जाए और हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए। हमारा कार्य अब आप देखेंगे मोबाइल पर ऑनलाइन का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। हम बहने कुशलतापूर्वक कार्य करके दे रहे हैं, लेकिन हम 6,000 से ऊपर नहीं आ रहे, ऐसी हमें क्या कमी है? या तो मुख्यमंत्री महोदय हमें बताएं, हम उस कमी को दूर करेंगे, अन्यथा आप लोग देखें हम कुशलतापूर्वक अपना सारा कार्य कर रहे हैं। अभी अभी सरकार ने मजदूरी की दर बढ़ाई है, न्यूनतम दर बढ़ाई है, लेकिन आंगनबाड़ी को भी 6,000 रुपये है ना। इस विषय पर मैं इस बात में कहना चाहता हूँ, आपके घर गृहस्थी कैसे चलती होगी? सर घर गृहस्थी की तो आप ये समझ लें, कुछ बहनें हमारे यहाँ, इनफैक्ट 70% हमारे यहाँ बहनें वीडो हैं, या वो हैं जो तलाकशुदा हैं, परित्याज्ञा हैं। परिवार तो होगा मैम उनका? सर परिवार है, बच्चे हैं उनके, वो अपने 6,000 में अपने पालन पोषण कैसे करें? इस बात को तो सर आप भी समझ सकते हैं, सभी पूरा समाज समझता है, 6,000 में बच्चों को पढ़ाएं, खाना खिलाएं या कपड़े पहने, फिर सब चाहते हैं अच्छी शिक्षा भी दें। अच्छी शिक्षा किस तरह से हम अपने बच्चों को देंगे? और अच्छा भोजन कि आप पौष्टिक आहार लें, पौष्टिक आहार लेने के लिए सर पैसों की जरूरत पड़ती है, वो हमारे पास है नहीं। तो सर हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय को, कृपया कर हमारे मानदेय वृद्धि की जाए, कम से कम न्यूनतम 18,000 रुपये हमें, जब तक वो हमें परमानेंट नहीं कर रहे, 18,000 रुपये हमें दें मानदेय के रूप में। मानदेय के अगर आपको ये चीजें आपकी सरकार नहीं मानती तो फिर आगे अगला कदम क्या रहेगा? सर अगला कदम ये अभी तो ये शुरुआत है, अगले कदम तो आप देखेंगे, हर रोज नई लड़ाई शुरू होगी और हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, लखनऊ भी जाएंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। धरना कब तक? धरना आज तो हम ज्ञापन देने आए हैं चेतावनी के तौर पे, उसके बाद हम अपना धरने का समय निश्चित करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। हम कुछ करना चाहेंगे आप? बस हम तो ये वैसे तो सब मेरी अलका बहन ने बता दिया है जो कि अध्यक्ष है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि ये सरकार को अब हमारे विषय में सोचना चाहिए, या तो हमारा मानदेय 18,000 करें और वरना हमें परमानेंट करें। इनकी जैसे अभी अलका बहन जी ने कहा है, हिंगलता जी बहन जी हमारी वही मांगे हैं, और इसी तरह से हमें योगी जी को हमारे बारे में सोचना चाहिए, मंत्री जी को। आप बस हमारी ये आप इससे सहमत हैं? सहमत है। ये आंगनबाड़ी का धरना यार, ये इनकी महंगाई के ऊपर बात आती है, कुछ महंगाई की बात है, कुछ शिक्षा के ऊपर बात आती है, कुछ इनके रोजगार के ऊपर बात आती है, इस बात को लेकर आज ये धरने पर बैठी हैं और ज्ञापन देंगी, और सरकार को भी इनकी और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 6,000 रुपये इतनी महंगाई में इनके परिवार का पालन पोषण कैसे होता। और आंगनबाड़ी के इसी धरने में के भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्षा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैम अपना परिचय। मेरा नाम दीपा वर्मा है, मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश महामंत्री हूँ, और मेरे साथ यहाँ पे जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ मैं, क्योंकि कार्यरत भी यहीं पर हूँ। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए जगह जगह हर जिले में
प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि आज हमारी परियोजना की जब स्थापना हुई थी ICDS की, आज 59 साल पूरे हो चुके हैं, 50वां साल लगने जा रहा है और बहनें आज उसी जगह पे हैं जहां से शुरू उठाई थी इन लोगों। ये धरना आपने दिया है, कुछ मांगे भी हैं? हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो हमारी यही मांग है कि भाई इन बहनों को श्रमिक, जो अभी अभी सरकार ने श्रमिकों को इतना बड़ा तोहफा दिया, जो अकुशल भी, जो मिट्टी ढोने वाला भी था उसे भी उन्होंने तोहफा दिया, तो मेरी बहनें तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 49 साल से कार्य भी कर रही हैं, कार्यरत हैं, तो क्या सरकार को इन्हें कुशल या अकुशल की श्रेणी में भी नहीं लाना चाहिए था? सबसे पहला तो ये उनकी खुशी है और बहनों की तरफ से हमारा बहुत बड़ा रोष है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी सरकार को इस मंच के माध्यम से कि सरकार चाहती है, हम भारतवर्ष में 28 लाख बहनें आंगनवाड़ी की हैं और एक बहन के साथ कम से कम 4-5-8 सदस्य जुड़े हुए हैं, तो ये 28 लाख भी नहीं 1.25 करोड़ बहनें हैं, जो सरकार को सोचना चाहिए इनके विषय में। मैं सरकार को बार बार आगाह करती हूँ कि अगर इनके बारे में ना, एक मिनट, सरकार ने आपका सोच के 6,000 रुपए रखा है, 6,000 में आप काम चल रहा? 6,000 रुपए में किसी का काम चलता है भैया? सरकार को पता है इन बहनों में तलाकशुदा, विधवा, 50% से ज्यादा ऐसी बहनें हैं जिनका चूल्हा इसी से चलता है क्या? जब सरकार ने यही तो सोच के, मैं यूँ कह रही सरकार की मैं एक बहुत मानता करूँ, जो एक बिल्कुल अनाथ बच्चे के लिए 4,000 सरकार ने सोचा, तो आंगनवाड़ी के परिवार में क्या 4 सदस्य नहीं है, उसे 16,000 नहीं चाहिए? 6,000 में किसका चूल्हा चल रहा आजकल, जो इन आंगनवाड़ियों को चूल्हा चल जाएगा? और कौन सा काम सरकार ले नहीं रही इनसे? BLO में कोई भी विभागीय अधिकारी काम नहीं करते, इन सारी आंगनवाड़ी बहनियों से लिया जा रहा। एक मामला है एजुकेटर का, इधर आओ जा, मैं सारी ही मांगे आपको बताऊंगी। एजुकेटर का जी, दो ही शब्दों में खत्म कर दीजिए। एजुकेटर रखे जा रहे केवल एक सेवा के लिए और 6 सेवाओं पे हम काम कार्य कर रहे हैं सन 1975 से, आज 49 साल पूरे हो गए 6 सेवाओं पे काम करते करते। जब हम 6 सेवाओं का आज तक हमें 6,000 केवल 1,000 रुपए से 800 रुपए से बढ़ाकर आज तक 6,000 49 साल में किए गए, तो एजुकेटर को एक सेवा रखने के लिए शुरू में ही संविदा पे 10,384 रुपए दिए जा रहे, तो क्या ये बहने 6 सेवाएं कर रही, इनका भी तो कुछ मानदेय होना चाहिए। सबसे पहली तो ये मांग है। अगर आपकी मांगे नहीं मर गई सरकार ने, धरना कब तक लगेगा? देखिए आज तो हमने स्थापना दिवस मनाया है, कुछ सरकार निर्णय लेगी, कुछ आश्वासन देगी तो हम बैठेंगे, नहीं तो हम लखनऊ भी जाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे। हमने अभी भी भारतीय मजदूर संघ की बहनों ने आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ राष्ट्रीय मंच पे हमने माननीय मोदी से भी जिसे भी धरना रखा था और वार्ता भी हुई, लेकिन संतोषजनक जवाब कोई नहीं। हम दिल्ली भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे, लेकिन अपना मानदेय सम्मानजनक लेके रहेंगे।